मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में धामपुर में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक और विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री डॉक्टर इंद्रदेव सिंह के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने एक बार फिर अपने कद का एहसास कराते हुए कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाई। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के धामपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन से पूर्व नगर में भव्य रैली निकाली गई और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रैली निकालते हुए सम्मेलन में पहुंचे, जहां वक्ताओं ने समाज के सभी वर्गों से जुड़े लोगों को एक साथ लेकर चलने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने कहा कि विश्व भर में अगर इंसानियत की कोई रक्षा कर सकता है तो वो हिंदू है, इसलिए हिंदू को सशक्त होने की आवश्यकता है और विश्व हिंदू महासंघ हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए ही सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं, सब हिंदुस्तान की नहीं बता रहा। और नमाज पढ़ते हुए लोगों को कौन मार रहा है? वह स्कूल में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों के ऊपर गोलीबारी कौन कर रहा है? चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, क्या करना मेरा धर्म है ऐसा सिर्फ हिंदू ने कहा। तो इसलिए दुनिया के अंदर अगर मानव जाति की रक्षा भी कर सकता है तो वो हिंदू कर सकता है, लेकिन कमजोर और फटा हुआ हिंदू कभी भी नहीं कर सकता। कहता हूं इतिहास बनाकर के देखे, इतिहास के अंदर स्थान मुस्लिम कभी थे, क्या बोलते थे? मानस हो तो वही स्थान बसो गोकुल गांव के द्वार। कृष्ण जी की प्रशंसा में कितने सुंदर पात्रों ने लिखे। बोली नारायण जी नमस्ते। बोले गंगे माता की, भारत माता की, श्री सद्गुरुदेव अवैधनाथ महाराज की। से मुजफ्फरनगर से आ गए और सबसे बड़ा सोने का सुहागा क्या हुआ, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी माननीय हमारे हमारे लालन पालन पालन पोषण में कहीं से माँ भारती ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। भारत माता के सपूतों की, भारत माता को संतानों की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए जैसे सिंह की दहाड़ होती है। बोले भारत।